सी खटन गया सी खटके ले अंदा पुड़िया ये गिद्दा ता सजदा जत नसी सारी पुड़िया हमारे साथ जुड़ चुकी है एसटी महिला कॉलेज की प्रोफेसर अंकिता पुनिया। अंकिता पुनिया को कौन नहीं जानता, अस्सी में सभी जानते हैं अंकिता पुनिया, चर्चा में रहती है। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार सर, कैसे आप? बहुत बढ़िया जी, आप ठीक हो? बिल्कुल बढ़िया। क्या चल रहा है सर? आज सनातन धर्म महिला महाविद्यालय में लोहड़ी पर्व मनाया जा रहा है बड़े ही जोरों शोरों के साथ, आप देख भी सकते हैं जी। तो देखा गया आज आपने भी डांस किया? हाँ सर, सब ने, छात्राओं ने भी, हमारे गेस्ट। हरियाणा पोलखोल न्यूज़ के माध्यम से मेरे सभी प्रदेशवासियों को, मेरे सभी हांसीवासियों को लोहड़ी के पर्व की और मकर संक्रांति के पर्व की ढेर सारों शुभकामनाएं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। गेस्ट ने भी और टीचर्स ने भी, सब ने मिलकर इस त्यौहार को बड़े अच्छे से मनाया है। तो बच्चों को क्या प्रेरणा दोगे आप? सर, हम यही प्रेरणा देते हैं कि ये त्यौहार ही आते हैं हमारी जिंदगी में जो हमारे सारे स्ट्रेस को दूर करते हैं, और हम सबको इन त्योहारों को बड़े ही अच्छे तरीके से हमें मनाना चाहिए। ये छोटे छोटे पल होते हैं जो हमें मिलते हैं, और इसका सबको बढ़ चढ़ कर अपनी जिंदगी में भाग लेना चाहिए, उसको बड़े अच्छे से इसको मनाना चाहिए। मैडम जी, देखा गया यहाँ जो भी त्यौहार होते हैं यहाँ बड़ी उत्सव रूप मनाया जाता है। जी सर, हमारा ये मोटिव रहता है कि हम बच्चों के अंदर वो सब चीज़ें हम डाल सकें जो हमारे परदादों ने हमें सिखाई है, कि वो आगे भी हम पीढ़ी दर पीढ़ी उसको सिखाएं कि हमारे जो त्यौहार है भारत के वो किस तरीके से मनाए जाते हैं। हर त्यौहार का अपना एक महत्व है, जैसे लोहड़ी है, लोहड़ी हमारा एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है कि भाई पंजाब का है ये वैसे तो, लेकिन इसके पीछे का रीज़न क्या है कि जब हमारी गन्ने की कटाई होती है तो उसके बाद इस त्यौहार को मनाया जाता है। तो आप भी चर्चा में रहोगे जब भी कार्यक्रम होगा, मैं आप मुख्य रूप से दिखूंगा। जी सर, बस प्यार है आप सभी का और हम कर रहे हैं अपनी ड्यूटीज को। अब बात करेंगे हमारे हस्ती के प्रसिद्ध समाज सेवी है, द्रौपदी है, सतपाल खंडेवाल जी से बात करेंगे। सर सर, दो मिनट जी, आपको कैसा लग रहा है त्योहार जी? बहुत ही अच्छा लगा आज एसटी कॉलेज में, बहुत बड़ा धूमधाम से बनाया गया लोहड़ी का पर्व। ये लोहड़ी का पर्व बड़ी खुशियाँ लेकर आएगा। तो आज आप भी पहुंचे हैं बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए? आज हमें मौका दे दिया, गुप्ता जी ने मौका दिया, भाई आप आओ, तो हमने आके बड़ा इंटरेस्ट लिया है, बड़ा मजा आया। गुप्ता जी कैसे लग रहे आपको जी? मेरे को बड़ा अच्छा लगा, श्री सतपाल बंसल जी हमारे बीच में आ गए हैं, क्योंकि जितना भी कई बार खर्चा होता है ना, इनकी एक इच्छा होती है कि कॉलेज से कुछ ना खर्च होके मैं अपने एंड पे ही कर दूं आज, और मैं इन सब का आभार व्यक्त करता हूँ और आशा व्यक्त करता हूँ कि इनके जीवन में खुशियाँ और समृद्धि आए, और इस पर्व पे मैं सभी छात्राओं को और उसको शुभकामनाएं देता हूँ। सतपाल खंडे वाला शहर के प्रसिद्ध समाज सेवी है, लगातार चर्चा में रहते हैं और लोहड़ी पर्व त्यौहार दिखा जा रहे हैं, लेकिन दिखा रहे हैं अभी हम आपको पूरा मौका देंगे, आप भी अपनी मस्ती अपने एंजॉय करें। ये दोनों महिलाएं कोई आम नहीं, आपको लगातार दिखाते रहते हैं दोनों बहन, ये दोनों बात कर रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्ते भैया। चर्चा में आज भी आए हो? हाँ जी हाँ जी। कहीं गौरव जान दिखते, कहीं भी जान दिखते, लेकिन आज ये दोनों दिखे हैं जी। वो दूसरे प्रोग्राम अटेंड करने गए हुए हैं, दूसरा प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं। आप सभी को लोहड़ी की लख लख बधाइयां, लोहड़ी का ये पावन त्यौहार लाए आप सबके जीवन में खुशियां अपार। बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए? हाँ जी हाँ जी। इस समाज सेवा में कहने के लिए आप बहुत आगे बढ़ चुके हो जी, बस आप सबकी कृपा है और सबका आशीर्वाद है। नमस्कार। ठीक हो? हाँ जी बढ़िया। तो पहुँच गए आप भी? हाँ जी। आशीर्वाद देने के लिए? हाँ, लोहड़ी का त्यौहार है, सब में एक एनर्जी लाता है, सर्दी के बाद एनर्जी की जरूरत होती है आगे बच्चों को पढ़ने के लिए, तो इसलिए हम भी सेलिब्रेशन में पहुँच गए। वो अपने नेक्स्ट प्रोग्राम्स की तैयारी कर रहे हैं, कल के प्रोग्राम की तैयारी कर रहे हैं, कल मिलेंगे उनसे। अगले कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हो? ये कार्यक्रम आप बता रहे हो? जी, हम ये कार्यक्रम हम अटेंड कर रहे हैं, वो अगले प्रोग्राम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गर्व महसूस हो रहा है, मैं यहाँ की एलुमिनाई रह चुकी हूँ। दोनों महिलाएं चर्चा में रहते, समाज सेवा की बात हो या कहीं धार्मिक कार्य की बात हो, ये दोनों महिलाएं आपको कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी समाज सेवा करती हुई। मैडम नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसा लगा आज आपको? आप बताइए कैसा लगा? आप बताओ। बहुत बढ़िया, बच्चों में खूब खुशियां हैं, उमंग है, उत्साह है, और इसी बहाने छोटे छोटे जब प्रोग्राम्स करते हैं तो हम अपने बच्चों को अपने कल्चर के बारे में, अपने फेस्टिवल्स के बारे में जो
एक मैसेज है वो पास ऑन करते हैं ताकि हमारा कल्चर बरकरार रहे, संस्कृति कायम रहे और बच्चे अपने फेस्टिवल्स के बारे में और अपने जो जो रीति रिवाज है उनके बारे में जानते रहे। गौरव जैन है, विनय जैन है, दोनों भाई है, भाई की जगह से उनकी दोनों धर्मपत्नियां यहाँ पहुंची हुई है, समाज से उन्होंने कहने की है आगे बहुत होते हैं। देखो पत्नी पति की छाया होती है, सहयोगी होती है, तो जहाँ मौका मिले, और ये तो हमारी एलुमनाई भी है, चलते हैं तो चुनाव निर्वाद हो गया। अभी चुनाव तो एक पक्ष है और जीवन अलग पक्ष है और उसके साथ साथ समाज के उत्थान का काम अलग पक्ष है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। मानते हैं समाज सेवा में आगे चल रही है? बिल्कुल चल रही है, यहाँ से जुड़े हैं, आगे भी जुड़ेंगे, इन्होंने अश्योर किया है कि ये जुड़ी रहेंगी, कॉलेज के लिए बहुत सारा काम ये करने वाली है, जो हमारे नेक में भी रिक्वायर्ड है कि हमारी जो एलुमनाई एसोसिएशन है वो कैसा काम कर रही है, दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट, तो ये हमारे एलुमनाई का हिस्सा है। उम्मीद है आप पे जी, बहुत जी, पूरी कोशिश करेंगे, इनकी उम्मीद के साथ हम खड़े उतरे। इनका इनका कहना है कि इस कॉलेज पर आपका यानी कि दोनों गौरव जैन विनय जैन की दंपतियों का आशीर्वाद ऐसे रहेगा। हाँ जी, हाँ जी, जरूर। नीतू जैन, दूसरे नाम क्या है? आशु जैन। नीतू जैन, आशु जैन का आशीर्वाद रहेगा यहाँ जी। हम कौन होते हैं, बाबा श्याम का आशीर्वाद है हम सब पर, हम तो बस उनके भक्त हैं। तो गुप्ता जी, इन्होंने कह दिया साहब, तो बाबा श्याम का आशीर्वाद रहेगा हमारे ऊपर, हम यहाँ लगातार आते रहेंगे। मैं मैडम नीतू जैन का और इनकी देवरानी आशु जैन का तह दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हमारे बीच में मेरी छात्राओं के हौसला अफजाई में आज इन्होंने बड़ा अच्छा समय व्यतीत किया और जितना भी खर्चा हुआ है उसको भी वहन करने के लिए इन्होंने बड़ी खुशी से जो है ना इसको डोनेट किया। मैं इनका, मेरी तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से मकर संक्रांति की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तय दिल से पूरी संस्था जी, देवरानी जी, ठाणे की जी, बहुत जी। अच्छा जी, मैंने तो पता लगा और मैंने एक बार सिर्फ एक बार विनय जैन जी को रिक्वेस्ट की और उन्होंने सहर्ष इसको स्वीकार किया। मैं कहता हूँ कि भगवान उनको ऐसे ही इस लोहड़ी पर्व पे सुख समृद्धि और खुशहाली दे उनके परिवार को और ऐसे ही समाज सेवा के कार्य में अग्रणी रहे। पोल को न्यूज पर दिखा रहे हैं आपको, एसटी महिला कॉलेज हांसी से लोहड़ी पूर्व उत्सव समारोह बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। हांसी के प्रसिद्ध समाज सेवी सतपाल खंडेवाला मौके पहुंचे हुए, तस्वीर दिखाई जा रही है आपको। एसडी महिला कॉलेज के प्राचार्य सुरेश गुप्ता मौके पर है और सतीश मित्तल समाज सेवी मौके पर है। इतना नहीं, आपको बता दें कि जो पत्रकार है संजय भूटानी जी, वे भी समारोह में पहुंचे हुए हैं। अन्य काफी संख्या में आपको दिखा रहे हैं तस्वीर के माध्यम से, जो विनय जैन है, गौरव जैन है, समाज सेवी द्रौपति हांसी के, उनकी दोनों धर्मपत्नियां दोनों की यहाँ मौके मौजूद है, नीतू जैन। और ये तस्वीर दिखाई जा रही है आपको, इस समय की तस्वीर आ रही है हांसी एसटी महिला कॉलेज से, आपको उत्सव की तस्वीर दिखा रहे हैं इस समय, उत्सव दिखाया जा रहा है इस समय, किस प्रकार लोहड़ी पूरा उत्सव मनाया जा रहा है, छात्राएं नाच रही है, वो तस्वीर दिखाई दे रही है, ये दिखाया तस्वीर आपको, नतो बारी बरसी खटन गया सी, खटके लंदा बेटा, खटके ले नचती सारी कुड़िया, इतना ता सजदा जब नाची सारी कुड़िया। टू सेलिब्रेट लोहड़ी फंक्शन विद द ब्यूटीफुल एंड द लवली ऑडियंस एंड आवर टीचर्स स्टूडेंट्स, देयर आर नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस, ओनली हार्ड वर्क एंड determination can lead you towards your success. So please don't use any shortcuts and always believe on hard work. And I'm very thankful to Geeta ma'am for giving me this opportunity to be with you. Thank you. आप सभी को होली की लख लख बधाइयां। होली का ये पावन त्योहार लाओ आप सबके जीवन में खुशियां अपार। हम सबकी, आपकी, मेरी और सबकी मुश्किलें और इस समाज में फैली हुई सारी कुरीतियां और कुप्रथाएं इस लोहड़ी के पावन पर्व की पावन अग्नि में जलकर भस्म हो जाए। मेरी बस यही प्रार्थना है भगवान से, आप सभी को दोबारा हैप्पी लोहड़ी। जो सर्दी के बाद एक
एनर्जी लेके आता है कि आने वाले दिनों में हम अच्छे से स्टडी करें, अच्छे से अपने कामों में लग जाए। पहले ज्यादा ठंड होती है, हम सब लोग अपने घरों पे रेस्ट करते हैं, तो आज के त्योहार के बाद आप सब ने अच्छा परफॉर्म किया, अच्छे से डांस परफॉर्मेंस की, तो अच्छे से एनर्जी लाइए, अपनी अच्छे से स्टडी कीजिए और अपनी जिंदगी में कामयाब बनिए। हैप्पी लोहड़ी। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।